हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर सुनील जूनी फिजिसिस्ट। आज का जो सेक्शन है उसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं ज़ेनर डायोड। ठीक है, ये मेजर टॉपिक है अपने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का। तो यहाँ से आपके पास 1 मार्क एंड 2 मार्क के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो किस तरीके से आता है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, यानी कि परिभाषा ज़ेनर डायोड क्या होता है। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ से 1 मार्क का, आपको सिंबल पूछ सकते हैं ज़ेनर डायोड का, या फिर सिंबल बना हुआ मिलेगा आपको और उसका नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ से होता है, जो 2 मार्क का भी हो सकता है ना, 1 मार्क का भी हो सकता है। कैसे कि 1 मार्क का तो डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाए कि ज़ेनर डायोड का यूज कहाँ होता है, यानी उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, और 2 मार्क का आता है कि जो इसका यूज होता है वो पर्टिकुलर एक यूज है जिसको अपन बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेटर में, यानी कि जो ज़ेनर डायोड है, अपन आगे डिस्कस करेंगे इसको कि ज़ेनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेटर में, यानी कि वोल्टेज के रेगुलेशन में होता है। ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से उसका यूज वहां होता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना। तो ज़ेनर डायोड को समझने से पहले हमें एक पॉइंट है भंजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकडाउन, उसको समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी डायोड होता है तो उसका भंजन का क्या मीनिंग है। भंजन यानी कि उसका ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अपनी मेन हेडिंग है यहां पर भंजन, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। इस फिनोमेना को आपको पहले समझना पड़ेगा और देन आप ज़ेनर डायोड को समझ पाएंगे। तो देखिए, अपन ने पहले डिस्कस किया था कि जो ज़ेनर जो नॉर्मल डायोड पीएन जंक्शन जो डायोड होता है उसका जो रिवर्स बायस होता है, यानी कि पश्चिम बायस वोल्ट था, तो उसमें देखा था इसका कर्व, अपन ने आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखा था जिसको धारा और वोल्टता का अभिलाक्षणिक वक्र बोला जाता था, वो कुछ इस तरीके से आपको मिला था वहां पर। ठीक है, और यहाँ से कर्व इस तरीके से आगे आ रहा था। ठीक है, ये तुम्हारे पास आईवी कैरेक्टरिस्टिक, इधर अप्लाइड वोल्टेज ले लिया मैंने, इधर मैंने रिवर्स करंट ले लिया। ठीक है, रिवर्स करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है। तो तुम इस ग्राफ से देखते थे कि इस ग्राफ में देखो, जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके कंडीशन में उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रही है कि जो रिवर्स करंट है, यानी कि जो पश्च धारा, हिंदी में बोलेंगे पश्च धारा, ठीक है, पश्च धारा का मान बहुत ही कम क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, बट जैसे ही अपन हायर वोल्टेज की बात करेंगे, उच्च विभवांतर की बात करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज तुम्हें मिलेगा जिसको मैं वी बी और वी जेड से भी डिनोट कर सकता हूं। इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे तुम देख रहे हो कि जो सर्किट की करंट है वो मैक्सिमम हो रही है, धारा जो है वो कैसी हो रही है बेटा, मैक्सिमम हो रही है, यानी अधिकतम मान की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ है, जो घटना हुई है, उसे बोला जाता है भंजन, यानी कि ब्रेकडाउन। ठीक है, अब ये भंजन खुद 2 तरीका का होता है, एक तो होता है ज़ेनर भंजन और दूसरा होता है एवलांस भंजन। तो दोनों में डिफरेंस है, बट भंजन का मीनिंग यही है आपको कि रिवर्स बायस में डायोड में एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, एक विशेष विभवांतर के मान पे जो धारा है वो अधिकतम हो जाती है। अब चूंकि ध्यान रखना, यहां पर जो धारा है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये धारा का मान बहुत ही कम होगा, इसका ऑर्डर होगा माइक्रो एम्पियर। ठीक, तो इस पूरी घटना को बोलते हैं भंजन। अब चूंकि वर्ड आया ज़ेनर भंजन, तो ज़ेनर भंजन कहाँ होता है, ये विशेष डायोड होते हैं जिनमें डॉपिंग, आप एक शब्द आ रहा डॉपिंग, डॉपिंग का मीनिंग क्या होता है, मादन हिंदी में बोलेंगे, यानी कि अशुद्धि मिलाना, ठीक है, इम्प्योरिटीज को ऐड करना किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में। तो जो डोपिंग होती है वो इसकी हाई डोपिंग होती है, ठीक है ना, यानी उच्च माध्यित कोई भी डायोड है तो उसमें कौन सा भंजन होगा बेटा, उसमें होगा ज़ेनर भंजन। ये आपको समझना है, ज़ेनर भंजन होगा। तो अब सीधी सीधी बात है, ज़ेनर भंजन होता है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ज़ेनर भंजन ऐसा भंजन होता है कि जिसमें एक और की पॉइंट आपको याद रखना है कि इस भंजन के दौरान जो आपका डायोड है वो क्षतिग्रस्त नहीं हो पाता है, यानी क्षतिग्रस्त होने से क्या हो जाता है, बच जाता है, यानी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए उस ज़ेनर उस डायोड को पर्टिकुलर नाम दे रहे अपन ज़ेनर डायोड। तो खैर, ये थोड़ी बहुत चीज़ें अपन ने सीखी, अब इनके बेसिस पे अपन इनकी डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से। ठीक है, आपको ये समझ में आया, ठीक है, नहीं आया तो भी इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन अपने इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन क्या होगी ज़ेनर डायोड की। ठीक है, तो मैं इनको रफ कर देता हूँ पहले और फिर अपन देखते हैं ज़ेनर डायोड की डेफिनेशन।
तो बेटा जेनर डायोड क्या होगा? सिंपल, जेनर डायोड क्या है? एक डायोड है, बट कैसा डायोड है? हाईली डोपिंग डायोड है, यानी ऐसा डायोड है जिसमें बहुत ज्यादा क्या मिलाई हुई हो? अशुद्धि मिलाई हुई हो। अब आपने इससे पहले देखा था कि जब ज्यादा अशुद्धि मिलाते हैं अपन तो अवक्षय परत पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आपने देखा था कि अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है यानी विड्थ होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी अवक्षय परत जो है, डिप्लेशन जो लेयर है वो थिन हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर आपको पॉइंट समझना है कि जेनर डायोड क्या है, एक स्पेशल पर्पज डायोड है जो कैसे होंगे? हाईली डॉप्ड होंगे, हाईली डॉप्ड, ठीक है, और कैसी होगी? थिन डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ठीक है, थिन डिप्लीशन लेयर, यानी हिंदी में लिखना चाहे तो उच्च डॉपित और पतली अवक्षय परत, अवक्षय परत, ठीक है, यानी ऐसा डायोड जिसमें डॉपिंग तो कैसी हो बेटा? उच्च हो, और अवक्षय परत कैसी हो? पतली हो। तो ऐसा डायोड तुम्हारे पास क्या होता है? जेनर डायोड कहलाता है। तो फिर इसकी विशेष क्या इंपॉर्टेंस है यहां पर कि इसको जेनर डायोड बोला जाता है? क्योंकि नाम से पता लग रहा है कि यह जेनर भंजन में भी काम कर सकता है। और जेनर भंजन में अपन ने देखा था कि जो रिवर्स बायस में वोल्टेज की अधिकतम मान होता है तो वहां पर धारा का मान अधिकतम हो जाता है, तो उस समय वो बिना क्षतिग्रस्त हुए डायोड क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। तो परिभाषा सुन लेंगे, ऐसा विशेष डायोड जो उच्च डोपित हो और जिसमें अवक्षय परत पतली हो, जो कि पश्चिम बायस में जेनर भंजन की अवस्था में बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य कर सके, वो डायोड होता है तुम्हारे पास जेनर डायोड। ठीक है बेटा, सिंपल इतना सा समझना है कि ये वो डायोड है जो रिवर्स बायस में बिना कोई डिस्ट्रॉय हुए आराम से इसको वर्क कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो चलिए प्रतीक देखते हैं अपन। तो सिंबल जो इसका है इंपॉर्टेंट है। जनरल अगर डायोड बोलते हैं, सिंपल डायोड, वो इस तरीके से बनाते हैं। तो जेनर के लिए अपन कुछ नहीं करना, यहां पर एक जेड का सिग्नल साइन बनाना इस तरीके से। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? जेनर डायोड का सिंबल हो गया। अब बात आए सर इसका यूज, उपयोग, एप्लीकेशन। तो जेनर डायोड कहां काम में आएगा? आपने इसके प्रॉपर्टी में देखा था कि इस पे जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाती है पर्टिकुलर वोल्टेज पे। तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जब करंट मैक्सिमम होगी तो करंट के वेरिएशन से वो वोल्टेज चेंज नहीं होगी। अब जब वोल्टेज चेंज नहीं हो रही है तो इसका मीनिंग वोल्टेज कैसी रह रही है? नियत, यानी कि कांस्टेंट रही है। तो वोल्टेज जो कांस्टेंट इसकी रह रही है, तो इसी प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे यहां पर कि जहां कहीं आपको वोल्टेज यानी कि विभवांतर कांस्टेंट चाहिए, नियत चाहिए, वहां आप जेनर डायोड लगा सकते हो। ठीक है, तो उपयोग क्या हो गया? एक नंबर का क्वेश्चन आता था आपको बोलना है वोल्टेज रेगुलेशन में, यानी कि यहां लिख देता हूं वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन में। क्लियर? जिसको आप बोल सकते हैं वोल्टता नियामक, वोल्टता नियंत्रण भी बोल सकते हैं और नियामक बोल सकते हैं, नियामक, ठीक है, वोल्टेज नियामक के रूप में जेनर डायोड काम में लिया जाता है। तो अब अपन देखते हैं कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किस तरीके से वर्क करता है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा। हाँ, तो अब अपन देखते हैं कि जो जेनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेशन में किस तरीके से कार्य करता। तो ये 2 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि समझाइए कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन में किस तरीके से कार्य करता है। तो इसके लिए देखो, परिपथ चित्र है, सर्किट डायोग्राम है, वो आपको अच्छी तरीके से समझना है, ये बनाना जरूरी है। ये जब आप बना दोगे तो आपकी थ्योरी बहुत ही कम हो चांसेस होंगे कि उनको पढ़े। आपको ये डायग्राम अगर आपने तरीके से बना दिया आपकी थ्योरी में चल जाएगा जैसा भी आप लिखोगे। खैर, तो इसमें सर्किट डायग्राम को समझते हैं। तो मैंने इसमें एक जेनर डायोड लिया है, जेनर डायोड के सीरीज यानी श्रेणी क्रम में मैंने एक सीरीज या श्रेणी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम हो सकता है ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको श्रेणी रेजिस्टेंस या ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, श्रेणी प्रतिरोध, श्रेणी प्रतिरोध, ठीक है, ड्रॉपिंग रेसिस्टेंस या श्रेणी रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और जो जेनर डायोड है उसके पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में मैंने यहां पर कनेक्ट कर रखा है लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली वो अपैरेटस, वो डिवाइस होता है जहां पर आपको आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है। तो इस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस यहां पर दो सिरे हैं, इन सिरों पर अपन आउटपुट को गेन करेंगे और यहां के जो दो टर्मिनल है वहां पर अपन इनपुट को प्लेस करेंगे। खैर, तो ये जो इनपुट आ कहां से रही है?
ये इनपुट आ रही है तुम्हारी रेक्टिफायर से, ठीक है। अपन ने देखा था इससे पहले जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, वहां पर जो सिग्नल आता था तो उसमें वो कुछ इस तरीके से सिग्नल आता था। आपने देखा था कि फुल वेव में इस तरीके से सिग्नल आ रहा था, ये प्लस का था, ये माइनस था, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से। तो अगर मैं यहां पर इसको बनाना चाहूं तो ये देखो फ्लक्चुएटिंग सिग्नल है इस तरीके से, ठीक है। ये सिग्नल किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी उच्चावचन बोलेंगे हिंदी में इसको, यानी कि ये अपने अधिकतम मान, फिर न्यूनतम मान, इस तरीके से अलग अलग मान ले रहा है अपने, ठीक है। तो इसको अपन को बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि डीसी बनाना है, नियंत्रित बनाना है आपको। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, इसके जो आउटपुट है उस आउटपुट को यहाँ इस परिपथ के इन दोनों टर्मिनल पर लगा देना है, ठीक। अब लगाएंगे किस तरीके से, आपको पता जेनर डायोड हमेशा किस बाइस में वर्क करता है, रिवर्स बाइस में। तो आपको क्या करना है, ये जो एंड वाला टर्मिनल है उस एंड पर हमेशा आपको प्लस कनेक्ट करना है, और जो इसका पी टर्मिनल होगा वहां पर आपको वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना, इस तरीके से। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। क्यों प्लस है, क्योंकि ये जो जेनर डायोड तुमने लिया है उसको आपको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहां देखो जो श्रेणी प्रतिरोध है, इसका एक विशेष योगदान होता है यहां पर, जिसको लिमिटिंग रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ की जो करंट है उसको लिमिट करेगा। तो कैसे करेगा वो सुनिए जरा। तो यहां से आपको अच्छी तरीके से समझना है, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अपन। सपोज यहां पर आपने 60 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। तो आपको पता सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज एड होते हैं। तो सपोज ये जो तुमने रेसिस्टेंस है वो इस तरीके का लिया है कि इस पर 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। देखो 60 आया, उसमें से 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप इस रेसिस्टेंस पे हो गया, तो इस पे कितना होगा भाई आगे, 50, क्योंकि टोटल कितना है 60। तो 10 जब यहां ड्रॉप हो गया तो बाकी का जो बचा हुआ 50 वोल्ट है वो कहां पर जाएगा, वो जेनर डायोड के दोनों टर्मिनलों के अक्रॉस आएगा। अब आपको पता ये दोनों टर्मिनल्स जो है जेनर डायोड के वो किससे कनेक्टेड है, लोड रेसिस्टेंस है, और लोड रेसिस्टेंस और जेनर डायोड किस में है, पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में आपको पता है कि जो वोल्टेज होती है, विभवांतर होता है, वो इक्वल होता है। तो जो विभवांतर यहां होगा सेम टू सेम विभवांतर इस जगह होने वाला है, ठीक है। तो रियल में तुम्हें ये 50 वोल्ट यहां चाहिए था, क्लियर। तो तुमने 50 वोल्ट जेनर ब्रेकडाउन का आपने जेनर डायोड यहां जोड़ा, ठीक है। अब सपोज यहां पे 60 की जगह थोड़ी सी हाई वोल्टेज आ गई, सपोज आपके आगे ही 65 आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा भाई, यहां पर 50 की जगह कितना हो जाना चाहिए, 55 तो आपकी तो वोल्टेज अप हो गई, यानी कि पहले आपको 50 चाहिए थी और अब अप हो गई, मतलब बढ़ गई, बट आप नहीं चाहते हो कि ये बढ़े। तो इसके लिए ये इस तरीके का आप यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, ताकि रियल में देखो 55 जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इसमें करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब अपन बात करेंगे ओम भाई साहब के नियम से, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू होता आई इंटू आर, सबने पढ़ रखा है। तो बेटा जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग हो ना हो यहां पर करंट भी क्या हो रही थी, इंक्रीज। तो जब करंट और आर को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रेशियो भी, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, वो भी इंक्रीज होगा। समझ में आ रही बात? तो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही इस सर्किट में करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, उसी कंडीशन में ये जो पहले 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा था, वो 10 का नहीं होकर थोड़ा सा वो ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। तो सपोज अब कितने का होने लग गया, 15 का होने लग गया। तो अगेन देखिए 65 आपने लगाया, 15 का ड्रॉप यहां हो गया, तो वापस यहां कितना मिल जाएगा तुम्हें, 50 मिला। हुआ क्या कि करंट को बढ़ाया, तो होना क्या चाहिए था, इससे पर जगह वोल्टेज भी बढ़नी चाहिए थी, बट नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि इसका खेल है यहां पर, ये वोल्टेज को बढ़ने नहीं दे रहा, ये अपने आप पे ज्यादा ड्रॉप ले लेता है उसको। पहले 10 वोल्ट का ड्रॉप ले रहा था, अब कितने का ले रहा है, 15 का। और ऐसा ही सिचुएशन होता है अगर सपोज करंट इसमें डिक्रीज होती है, कम होती है, तो कम होने पर मैं बोल सकता हूं सपोज 55 वोल्टेज ही यहां से आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये अपने ड्रॉप को घटा देगा। जब करंट घटेगी तो ड्रॉप घट जाएगा, जब करंट बढ़ेगी तो ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो अभी ये घटा के कितने वोल्ट का करेगा, अपने पे ड्रॉप पहले 15 का ले रहा था, वो कितने का लेगा, 5 का लेगा। तो जब 55 में से 5 का ड्रॉप यहां हुआ, तो अगेन तुम्हें कितना मिलेगा, 50 मिल जाएगा। ये चीज आपको समझना है। देखो वापस समझेंगे, स्टार्टिंग में 60 वोल्ट था, ड्रॉप 10 का हुआ, तो बचा कितना, 50। फिर जब करंट बढ़ी, ध्यान रखेंगे करंट क्या हुई, इंक्रीज हुई, जब करंट की वैल्यू बढ़ी तो 65 वोल्टेज आया वहां पर, ठीक है। तो इसने अपने पर ड्रॉप भी बढ़ा लिया, जहां यहां पर 10 वोल्ट ले रहा था वो अब कितना ले लेगा बेटा, 15 वोल्ट ले लेगा। तो जब वो 15 वोल्ट लेगा तो अगेन यहां पर 50 वोल्ट आ गया। फिर सेम सिचुएशन होती है कि अगर करंट डिक्रीज हो रही है, घट रही है,
तो ये अपने पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको घटा देगा। अब कितने का करेगा? 5 का करेगा। जब 5 का करेगा तो 55 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 50। तो आप गौर से देख रहे हो, चाहे करंट बढ़े चाहे करंट घटे, चाहे करंट बढ़े और चाहे करंट घटे, इस जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी रह रही है? 50 50 50, यानी कि कांस्टेंट रह रही है, नियत रह रही है। यही आप इसका यूज है कि इसके सिरों पर जो वोल्टता है वो नियत रहती है, और ये कि यही वोल्टता किस पे लागू हो जाएगी? तुम्हारे पास लोड रेसिस्टेंस, यानी कि जो भी डिवाइस तुमने यहां पे कनेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से तुमने क्या हुआ, देखो यहां पे फ्लक्चुएटिंग यानी अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, जिसको हिंदी में उच्चावचन या परिवर्ती वोल्टता बोल सकते हैं, वो अप्लाई हो रही है, यानी इसका वैल्यू मान चेंज हो रहा है समय के साथ। बट इस जगह पर वोल्टेज आपको नियत मिल रही है, नियंत्रित मिल रही है, रेगुलेटेड मिल रही है, तो और वो की वही वोल्टेज इस जगह आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पर क्या आया आउटपुट में? रेगुलेटेड वोल्टेज या नियंत्रित वोल्टता तुम्हें प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से ये था जेनर डायोड का वोल्टता नियामक या नियंत्रक, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन में यूज। आई होप वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।